नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा और आप वहां गए भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी एक वृंदावन है। हालांकि इस वृंदावन का जुड़ाव भगवान श्री राधे कृष्ण से नहीं बल्कि एक विशाल आम के बगीचे से है, जो बिहार के सहरसा में वृंदावन के नाम से मशहूर है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के पुरानी बाजार स्थित एक विशाल आम का बगीचा वृंदावन के नाम से मशहूर है। इस आम के बगीचे में 1500 से 1600 विभिन्न प्रजातियों के आमों के पेड़ लगे हुए हैं। इसमें हर साल जरदालू, मालदह, बम्बई, कृष्णभोग, भरतभोग और खिलसाफा सहित कई किस्म के आम होते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है गुलाब खास आम की। दिखने में खूबसूरत, खुशबू से भरा और स्वाद में लाजवाब, यानी खूबसूरती, खुशबू और स्वाद का संगम है यहाँ का गुलाब खास। इस आम की मांग न केवल सहरसा और आसपास के अन्य जिलों में है, बल्कि बिहार से बाहर अन्य राज्यों और विदेशों में भी है। इस वृंदावन बगीचे के आम मंत्री, सांसद, MLA सहित देश विदेश से कई गणमान्य लोगों को संदेश के रूप में भेजा जाता है। आम का सीजन जब आता है तो आसपास के लोग मार्केट से ज्यादा इस वृंदावन बगीचे में आम खरीदने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहां कार्बेट से पका हुआ आम नहीं बल्कि पेड़ का पका हुआ आम मिलता है, जिस वजह से लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। आम की सौंधी खुशबू के लिए वृंदावन बाग विदेशों में भी चर्चित। यहाँ के आम, खासकर गुलाब खास आम, की डिमांड सऊदी अरब, बांग्लादेश और अन्य कई देशों में। संदेश के तौर पर लोग इसे विदेशों में रह रहे अपने सगे संबंधियों और परिचितों को भी भेजते हैं। इस विशाल वृंदावन आम के बगीचे के मालिक खगड़िया लोकसभा सांसद महबूब अली कैसर एवं उनके भाई फारूक सलाउद्दीन साहब हैं। यहाँ तो प्रसिद्ध इसलिए माना जाता है कि यहाँ का गुलाब खास जैसे है, उसमें रेशा नहीं मिलेगा और दांत में फंस जाता है। यहाँ का गुलाब खास में दांत नहीं फंसेगा, दांत में। कितने किस्म के जो आम के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं? यहाँ तो दो तीन वैरायटी जो है बम्बई में मिलता है, वही नहीं है, उनमें बाकी तो सब यहाँ है। सब दो वैरायटी को सब वैरायटी के यहाँ जी, सब वैरायटी यहाँ मिलेगा। बड़ी शौक से यहाँ से लेकर शौक से पूरे जगह गाड़ी लगा हुआ है, देखिए ना, कहीं अभी भी गाड़ी दो तीन में लगा हुआ है। हर वक्त यहाँ भीड़ लगा रहता है, दो चार गाड़ी लगा रहता है, हर वक्त चल सकता। हम मोटरसाइकिल विदेश भी जाता है, विदेश जाता है, लेकिन बाबू लोग जो विदेश शौक से भेजते हैं वही जाता है विदेश। हम विदेश नहीं भेजते, सेल के लिए विदेश।